बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या पीटीआई फौज को आइन से बगावत पर उकसाने लगी है। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती तो मार्शल लॉ लगा दे। पीटीआई को दबाने और इमरान खान को नाअहल करने की साजिश की जा रही है। तहरीक का फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है, सिर्फ इंतखाबात के लिए मुजाकरात हो सकते हैं। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम लगा लें। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेट आर्बिटर जो है वो पाकिस्तान की अवाम है, फैसला करना उनका इख्तियार है। और ये जो साजिश आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि पीटीआई को दबाया जाए और पीटीआई को किसी तरीके से हम बिल्कुल जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पीटीआई को, ये आपने, मैं समझता हूं कि आप 1970 से सबक सीखने की जरूरत है। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने इमरान खान के दावे की तस्दीक कर दी है, कहा हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। आज भी कुछ लोग इमरान खान की डोरियां हिला रहे हैं, इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं। साकिब निसार मरकजी किरदार है, पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान के कातलों का पता ना चला। कायद आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिनाह को गद्दार करार दिया गया। जनरल अयूब को आज तक किसी ने नहीं पूछा। सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। कुछ लोग आज भी इसकी डोरियां हिला रहे हैं कि शहबाज गिल नामी एक शख्स, अगर वो जो कुछ बातें शहदा के मुतल्लक कहता रहा और उस पर एफआईआर हो और दो दिन का रिमांड हो, ये मुजरम अकेला नहीं है, इसके साथ साकब निसार मरकजी मुलजम है, मरकजी किरदार साकब निसार का है। दुनिया की बासर शख्सियात ने, गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने पीटीआई के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए। इमरान खान स्टेब्लिशमेंट के गले पड़ता रहा, पांव पड़ रहा है। इमरान खान ने लाहौर जलसे में कोई ऐलान तो नहीं किया लेकिन माफियां जरूर मांगी। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहता है। फोन रिकॉर्ड में बहुत से हकायक सामने आएंगे। शहबाज गिल वाले जो मामला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं बता दूं कि टेलीफोन तो खैर बात की बात है, टेलीफोन से बहुत ज्यादा शवाहिद पहले ही मौजूद है और दो दिन 48 घंटे में जो पुलिस कस्टडी में रहे हैं अभी तो उसकी बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या क्या कारनामे और करतूत जो है खान साहब के बयान किए। मसूफ इमरान खान फरमा रहे थे बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, हमेशा शोबदाबाजी करके लोगों को पीछे लगाते हैं, लोग मुंतजर होते हैं कि ना जाने खान साहब ने कौन सा बड़ा ऐलान कर देना है, कौन सी बड़ी चीज ले आएंगे कि ये कोई नया पाकिस्तान में कोई सियासी तूफान आने वाला है। पूरे जलसे में कोई बड़ा ऐलान तो नहीं मिला, बड़ा जोर से खान साहब ने माफियां जरूर मांगी, सफाइयां जरूर दी हैं, मुख्तलिफ वीडियोज दिखा के अपनी सफाइयां देते रहे हैं खान साहब। किसने कहा था मीर जाफर, किसने कहा था जानवर। शहबाज गिल के दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत चीख उठी है। वजीर आला पंजाब मुखालिफीन को फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं शहबाज गिल ने मुल्क दुश्मन बयानियां परवान चढ़ाने की कोशिश की, पीटीआई को पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का जवाब देना पड़ेगा। आपका एक आदमी जिसने मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की, एक शख्स ने एक मुल्क मुखालिफ बात की है, मुल्क दुश्मन बयानिए पर बात की है और वो एक प्रोसेस के मुताबिक उसकी कार्रवाई चल रही है, दो दिन का रिमांड था, गजब खुदा का कि आप लोग बगावत पे उतर आए हैं। 90 दिन के हमने रिमांड काटे हैं।
इमरान खान कराची में शुगल मेला लगाने आ रहे हैं। इमरान खान की बातों पर हंसा ही जा सकता है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सबको गुलाम कहने वाले इमरान खान को ही गुलाम करार दे दिया। सकता हूं मैं कल इस पे काफ़ी डिटेल में कि पता नहीं कहां था मैंने बात की थी वजीर की कहूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जलसे करें, इधर भी इंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़े सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, हमें जोग्राफी भी बताते हैं जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। तो नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है आप चैनल्स ने तो इतना माहौल बना दिया है कि हमेशा ऐसे समझ आता है कि पता नहीं मुल्क कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये आके इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए कराची में आके। हाँ ये मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये भूल जाए इस सूबे के लोग और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 3 इलेक्शन उन्होंने मुसलसल ज़्यादा कामयाबी दिलाई और इंशाल्लाह 2023 में जब इलेक्शन होगा उससे भी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस सजाद अली शाह की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया। जस्टिस सजाद अली शाह 13 अगस्त को जज के ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के रुकन बन चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस सजाद अली शाह की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया। जस्टिस सजाद अली शाह 13 अगस्त को जज के ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे और अब उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के रुकन बन चुके हैं। पंजाब में वज़रा के कलमदानों में तब्दीली की गई है। आपको बताएं कि राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन वापस लेकर पार्लिमानी अमूर और तहफ़ुज़े मोहलियात का कलमदान सौंप दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत वापस ले ली गई। यास्मीन राशिद स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की वजारत देखेंगी। सूबाई वजीर कानून खुरम विर्क से पार्लिमानी अमूर वापस ले ले गए। अख्तर मलिक को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत दे दी गई। राजा यासिर हमायूं से पीआईटीबी का महकमा वापस लेकर अरसलान खालिद को दे दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अमूर संभालेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की जानिब से मुल्क में ज़राअत को दरपेश मसाइल और उनके हल की तजावीज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि ज़राअत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, माजी में ज़राअत जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया गया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे में रिसर्च एंड डिवेलपमेंट पर खसूसी तवज्जो देगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि एग्रीकल्चर रिसर्च के इदारों में मेरिट पर भर्ती के लिए इकदाम किए जाएं, किसानों को आसान कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत भी की। इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, वजीर इतलात मरियम औरंगजेब, सैयद खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, तारिक बशीर चीमा, शहरी रहमान ने भी शिरकत की। भारत से आए खसूसी तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर दी गई है। आपको बताएं कि खसूसी तैयारा कराची एयरपोर्ट से 12 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक तैयारे में सवार होने वाले 12 मुसाफिरों में से 2 गैर मुल्की थे। खसूसी तैयारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची पहुँचा था। भारत से आए खसूसी तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर दी गई। खसूसी तैयारा कराची एयरपोर्ट से 12 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तैयारे में सवार होने वाले 12 मुसाफिरों में से 2 गैर मुल्की थे। खबर है लंदन से, जहां पर सिख फॉर जस्टिस का हाई कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि खालिस्तान के कयाम तक तमाम सिख कम्युनिटी मुतहद है। इस हवाले से बात करते हैं, वसीम अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम बताइएगा। सिक्स फॉर जस्टिस की जानिब से 15 अगस्त को इंडियन हाई कमीशन लंदन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सिक्स फॉर जस्टिस के कुछ नुमाइंदे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सदैव कि जिथे भारत अपनी
आजादी की 75वीं वरेगंढ मना रहा उत्थे ही पंजाब के लोग ते सिख जिहड़े आ इस नूं काले दिन वजों मनाउंदे आ। कारण की है तुहानूं सारिआं नूं पता कि जिसों भारत नूं आजादी मिल रही सी आजादी के जशन मना रहा सी उस दिन पंजाब दो हिस्सों में वंडिया गया और पंजाब दे विच सब तो वध जिहड़ी पंजाब की माइग्रेशन दुनिया के पद्धर के उत्ते हुई है 1 मिलियन तो वध लोग जिहड़े आ डिसप्लेस होए और जिस तरीके नाल कदरोगारत हुई उन्हां लोकां दी पूरी दुनिया उस तो वाकफ आ और पंजाबी जिहड़ा इस नूं कदे भी अपना जशन दे वजों नहीं मनाउंदा ना ही अपने आजादी दे दिन वजों मनाउंदे आ। बिल्कुल जितने भी यहां पर लोग मौजूद थे उनका यही कहना है कि सिख जो है वो 15 अगस्त को स्याह दिन के तौर पर याद करते हैं और इसी वजह से यहां पर आकर आज 15 अगस्त इंडियन हाई कमीशन के सामने। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। डॉलर की नॉनस्टॉप स्पाई जारी है और रुपया मुसलसल तगड़ा हो रहा है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1.51 रुपये सस्ता हो गया और 213.98 रुपये में फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मजीद 3 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई और ये 210 रुपये में ट्रेड हुआ। मौशी माहरीन के मुताबिक दरामदी बिल में कमी और IMF से जल्द कर्ज मिलने की राह हमवार होने पर रुपये की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी की जा रही है। दूध की रिटेल कीमत में 20 से 30 रुपए लीटर का इजाफा करने का इंदिया दे दिया गया। रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दूध की कीमत 16 से 20 अगस्त तक बढ़ाई जा सकती है। महंगाई और बारिश से डेयरी फार्मर्स को नुकसान हुआ और कराची में दूध की पैदावार नुमाया तौर पर कम हो गई है। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाने का फैसला किया है। जिनाह पब्लिक स्कूल परवेज इलाही कैंपस के नाम से स्कूल तामीर किया जाएगा। स्कूल की तामीर पर 1.70 अरब रुपये अखराजात का तखमीना लगाया गया है। जदीद स्कूल की दाखिला फीस 1,45,000 रुपये होगी। स्कूल में पहली से 7वीं क्लास माहाना फीस 35,000 रुपये होगी। 8वीं क्लास की माहाना फीस 42,000 और ओ लेवल की फीस 45,000 रुपये होगी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर की फीस 52,000, ए लेवल की फीस 58,000 रुपये होगी। भारत ने दरियाए रावी में 1,71,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। सैलाबी रैला आज रात जस्टर के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात अब्दुल्ला मारूफ से जानते हैं जो इस वक्त रावी के किनारे पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला बताएगा अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं। रावी के किनारे मौजूद हूं। आज जो है इंडिया की जानिब से 1,71,000 क्यूसिक जो है पानी है वो दरियाए रावी में छोड़ दिया गया है जो आज रात जसर के मुकाम पर जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा और कल जो है लाहौर या इसके मुलहिका इलाकों में जो है यहां पे दाखिल होगा। 1,71,000 क्यूसिक जो है पानी का जुड़ेला पाकिस्तान में पहुंचेगा जिसके आने से तकरीबन जो है 6 लाख के करीब जो आबादी है वो मुतासर होने का खदशा है। यहाँ के कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो रेला क्यूसिक गुजरेगा वो कितना नुकसान पहुँचाएगा और इसके साथ साथ अभी तक जो है क्या इंतजाम किए गए हैं। सर मुझे बताइएगा अगर 1,71,000 का रेला यहाँ से गुजरता है तो कितना नुकसान करेगा और उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो है कोई इंतजाम किए गए हैं कि नहीं। सर ये बात ये है कि इधर जो इंतजामिया है ना उनका कोई निशान है ना वो भी नहीं मिल रहा, ना कोई है और ना कोई होगा मुझे लगता है। और जो तबाही होगी वो तो कैमरे पे आ जाएगी सामने नज़र। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसका इंतजाम करना, आगाह करना कि इतना पानी आ रहा है जो आबादी नज़दीक नज़दीक दरिया के ऊपर है ना उसको दाएं बाएं कर लें, उसको सपोर्ट दें कहीं क्यों कहीं अपनी जगह पे सेफ हो जाएं। ये हुकूमत को चाहिए। आपने यहाँ पे मौजूद जो रहायशी उनकी बात सुनी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक जो है किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए जबकि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर मौसमियात की जानिब से बाकायदा तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है कि अगर 1,71,000 क्यूसी का रेला यहाँ पे पहुँचता है तो तकरीबन 6 लाख के करीब जो आबादी है उनको नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अभी तक किसी किस्म के इंतजाम नहीं देखने का आ रहे, कोई अमला यहाँ पे मौजूद नहीं, कोई अमला मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस में तबादलों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। 18 SPs और 24 DSPs के तकरर और तबादले कर दिए गए। DSP मोहम्मद उस्मान, सिकंदर अहमद और वाजिद अली की खिदमात एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के सुपुर्द कर दिए गए। DSP सिटी सियालकोट कैसर अमीन को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का कहा गया। DSP अटक तफसीर हुसैन को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज HD।